अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ किसी भी चीज़ की एक ऐप जो हमारे पास है, मे भी हम यूज़ कर रहे हों, कोई भी चीज़ हो, फर्ज कीजिएगा टिकटॉक हो, फेसबुक हो, एनीथिंग, कोई भी एल्स हमारे पास ऐप है, हम उसका बैकअप बनाना चाहते हैं। ज़्यादातर आजकल मसला आ जाता है व्हाट्सएप का, ठीक है। तो हम सबसे पहले, ये एक एंड्रॉयड असिस्टेंट है, ये हमारे मोबाइल में होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें इजीली वर्क करने में आसानी रहेगा। ये मोबाइल आपके ऐप में, मोबाइल में लाजमी होनी चाहिए, इसके बिना हम नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं। हमें सबसे पहले हम ये ऐप ऑन करेंगे एंड्रॉयड असिस्टेंट की। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, हमारा ये जो इंटरफेस हमें ऐसे नज़र आएगा। हमें इसके अंदर ये छोटा सा लिखा होता है कैपेनल स्टोर। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में जितनी भी ऐप्स हैं वो सारी की सारी शो हो रही होंगी। आपको देख सकते हैं, आप जितनी भी ऐप्स हैं ये ऑल टू ऑल शो हो रही हैं, ठीक है। इनके अंदर से मैं आपको जिक्र कर रहा था टिकटॉक का और व्हाट्सएप का, क्योंकि व्हाट्सएप का हर दूसरे 8वें 10वें 12वें दिन इसका अपडेट वर्जन आ जाता है, तो पुराना वर्जन यूज़ करते हुए परेशानी होती है। किसी भी दोस्त ने जो रिसेंटली अपडेट किया हो, आप उसके मोबाइल से ये, अगर उसने भी ये असिस्टेंट किया हुआ है, ठीक है, तो आप उससे ये ले सकते हैं। आप ऐसे ही, जैसे ही आप व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे, बैकअप पर क्लिक करेंगे, ये देखें बूम हो गया। हम अपने फाइल मैनेजर में जाएंगे, फाइल मैनेजर में जाने के दूसरे तीसरे ऑप्शन पे खड़ा होगा एंड्रॉयड बैकअप। ये आपकी व्हाट्सएप खड़ी है, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं मे बी चंद फ्यू सेकेंड्स असिस्टेंट बैकअप की मदद से। ये देखिएगा, इसके अंदर हम और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं आप लोगों को, ठीक है सर। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिर्द नवा यार दोस्तों का सबका अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।